7 दिवस से सोशल मीडिया पर कुंदन स्वीट्स के नाम से वायरल हो रहे वीडियो को खाद्य पदार्थ निर्माता एवं विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन ने झूठा बताते हुए वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने का निश्चय किया है। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के तहत खाद्य पदार्थ निर्माता एवं विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा दी गई। संगठन के अध्यक्ष तेजस्वी गुप्ता ने कहा कि शहर में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। उक्त वीडियो को मुरादाबाद के प्रतिष्ठित मिष्ठान विक्रेता कुंदन स्वीट्स के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, जो पूरी तरह से झूठा है, जिसका मैं संगठन के माध्यम से खंडन करता हूं और शहर की जनता से अपील करता हूं कि आप इस तरह के असामाजिक तत्वों के बहकावे में ना आएं, क्योंकि इस तरह के कृत्य करने वालों की मंशा कभी भी समाज के हित में नहीं होती। उनकी इस गलती से व्यापारी के साथ साथ अन्य मिष्ठान विक्रेताओं की प्रतिष्ठा भी धूमिल होती है। संगठन के मंत्री अमित गुप्ता ने मीडिया से कहा कि इस तरह के असामाजिक तत्व व्यापारी के साथ साथ मीडिया की भी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का घोर अपराध कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान अजय गोयल, मुकुल अग्रवाल, विजय गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, अंशित अग्रवाल, सत्यम अरोड़ा, अतुल गुप्ता, नीरज गुप्ता, मनीष गुप्ता सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। वार्ता करने का उद्देश्य शहर के अंदर एक फर्जी वीडियो प्रचारित की जा रही है, जो कि मुरादाबाद के एक प्रतिष्ठित व्यापारी का बताकर सबको भ्रमित किया जा रहा है। उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता की गई है। क्या वीडियो था और क्या मतलब किस तरीके के ड्रामे चलाई गई है? ये कोई वीडियो कहीं से किसी के हाथ लगा होगा, उसने मुरादाबाद के प्रतिष्ठित व्यापारी कुंदन स्वीट्स के नाम से शहर के अंदर फेसबुक व्हाट्सएप और अन्य साधनों के माध्यम से पूरे शहर के अंदर इस चीज़ को प्रचारित किया है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक व्यापारी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य, ऐसा मंशा लगती है उसकी। सर, क्या इसके खिलाफ कोई तहरीर दी है आपने? हाँ, इसके खिलाफ हमारी जो कुंदन स्वीट्स के स्वामी हैं श्री सत्यम अरोड़ा जी, उन्होंने कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया चालू कर दी है और इस पर जल्दी ही उनकी खिलाफ सख्त कार्रवाई के एक ज्ञापन भी हमने अधिकारियों को दिया है। अभी नाम दर्ज तो नहीं किया, अज्ञात में की गई है, लेकिन उनकी तलाश जारी है। उनके जो है आईडी वगैरह तलाश करी जा रही है और उसके तलाश होने पर ही फिर उनके नाम के साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्यौहार को लेकर मेरा सभी मिष्ठान विक्रेताओं से निवेदन है कि वो अपने आप बनने वाले सामान की गुणवत्ता व शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। कोई भी सामान आपको अपने ग्राहक को देने से पहले जांच लें व परख लें। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि शहर में कुछ असामाजिक तत्व द्वारा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, उस उक्त वीडियो को मुरादाबाद के प्रतिष्ठित मिठाई विक्रेता कुंदन स्वीट्स के नाम से प्रचारित किया गया है, जो कि पूरी तरह से झूठ है और उसका संगठन के माध्यम से खंडन करता हूं और घोर निंदा करता हूं। आपके शॉप के नाम से वायरल किया जा रहा है, क्या वीडियो है और क्या शिकायत की है आपके? ये कल सुबह से वायरल हो रहा है, जो कि बिल्कुल एक सर्वर का झूठ है। बिल्कुल ना तो उसमें जो अंदर का जो इंटीरियर वगैरह है वो कहीं से कहीं हमारे किसी आउटलेट से मेल नहीं खाता है। तो आपने कोई शिकायत की है इसकी? शिकायत की है कभी और क्या दाम तो चलाइए है फिलहाल। क्या मांग करते हैं? शहर के लोगों से यही है कि भाई ठीक है, इस चीज़ को वो भी जानते हैं, इतने साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं और किसी भी मेरी शॉप के अलावा और भी जितने भी मिठाई वाले हैं आज तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। तो ये पहली दफ़ा इतना ज़्यादा ब्लंडर बचा हुआ है मेरे का, उसको जरा रोकना चाहिए और मीडिया वाले भी हमारा साथ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या लगता है कि आगामी त्यौहार है उसके मद्देनजर ये सब चीज़ें आपको आपके इस समय अगर ये वायरल होता जाएगा तो वो आगे के लिए दिक्कत करेगा सभी के लिए, और फिर झूठ तो रुकता नहीं है, लेकिन यह है कि कम से कम सच्चाई भी सामने आनी चाहिए।